पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबो को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने हमें इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए एक नया अवसर दिया, और जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को ईश्वर अपना आशीर्वाद प्रदान करे। ईश्वर का आत्मा हम सबके जीवन में कार्य करे। ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बीते दिन एक बहन से मेरी बात हुई। वह अपनी गवाही बता रही थी कि वह काफी टाइम से बीमार चल रही थी, लेकिन जब वह इस प्रार्थना में भाग ले रही थी और उसने विश्वास किया कि ये चंगाई मेरे लिए है, वह बहन उसी वक्त सालों की बीमारी से वह आजाद हो गई। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी गवाहियां हमारे साथ में शेयर करी है। किसी भाई के लिए हमने यहां से अनाउंस किया था कि प्रभु का आत्मा कह रहा है कि उस भाई को नौकरी मिलने वाली है, उस बहन को नौकरी मिलने वाली है, या अलग अलग प्रार्थना के बारे में बता रहा हूं। उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि उन्हें नौकरी मिल गई है और वह नौकरी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें प्राप्त हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया कि प्रभु का वचन उन्हें शांति प्रदान कर रहा है, प्रभु का वचन उनसे बात कर रहा है, प्रभु उनके दुख में उनका साथ दे रहा है, उन्हें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के आंखों में दर्द था, किसी के सिर में दर्द था, किसी के कमर में दर्द था, पैरों में दर्द था, प्रभु ने अनेक लोगों को स्पर्श करके उन्हें चंगाई प्रदान की है। हालेलुया, हालेलुया। साथ में मैं एक भाई की गवाही शेयर करना चाहूंगा। भाई ने बताया कि वह हॉस्पिटल में काम करता है। पहले उसकी सैलरी 13,000 रुपए थी, हॉस्पिटल वाले उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, तो उस भाई ने एक नए हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। वहां पे उसकी सैलरी 14,000 हो गई। वह 5-10 दिन वहां काम कर रहा था तो पुराने हॉस्पिटल से फोन आया, आप एक बार आइए, हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, एक बार बैठ के बात करते हैं। वह भाई गया, उस भाई ने बोला कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए सैलरी, क्योंकि मेहनती है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी आपको 17,000 रुपए दूंगा और कुछ समय बाद में मैं आपकी सैलरी बढ़ा भी दूंगा और संडे को भी उस भाई को छुट्टी मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जहां वह पहले कार्य कर रहा था वहां पर उसकी सैलरी 14,000 रुपए थी, लेकिन ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना को देखिए। वह भाई दिल से चाहता था कि वह संडे को पवित्र मिस्सा बलिदान ना मिस करे, क्योंकि जहां वह काम कर रहा था नई जगह, वहां पर उसको संडे की छुट्टी नहीं थी। नाइट शिफ्ट होती तो वह संडे मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले पा रहा था और कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं में कमी आ रही थी, उसे दुख हो रहा था। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी भी हालत में मैं संडे का मिस्सा बलिदान, संडे जो प्रार्थना होती है, उससे मैं वंचित ना रहूं। उसने अपनी इच्छा बताई और ईश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही एक भाई की गवाही और शेयर करना चाहूंगा। एक भाई काफी समय से एक कंपनी में काम कर रहा था,
दिन रात लगा रहता था, खाने पीने का कोई टाइमिंग नहीं है, भूखा रहना, खाना मिला ठीक है, खाया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे चलता रहता, कोई भी टाइमिंग नहीं था। उस भाई की सैलरी 7 से 8 हजार के बीच में थी। उस भाई को मैंने कहा चालीसा काल में कि एक काम करो, उस भाई ने वहां जॉब छोड़ दी थी, मैंने कहा 1 महीने बाइबल अध्ययन करो। उस वक्त हम संत लूकस का सुसमाचार का अध्ययन कर रहे थे। उस भाई ने कहा ठीक है। मैंने कहा विश्वास करना, आप अगर सच्चे दिल से प्रभु को समय देंगे, प्रभु आपका भाग्य पलट देगा। जहां पर उस भाई की जॉब 7 से 8 हजार रुपए की थी, वहां से उस भाई के पास में फोन आता है, आप आइए तो सही, अपन बैठ के बात करते हैं। वह भाई और उसका परिवार वहां गया, बातचीत की, तो उसने कहा कि सर मुझे सैलरी कम से कम 10 हजार रुपए चाहिए। तो उसके सर ने बोला मैं तुम्हें 10 नहीं, मैं तुम्हें 12 हजार रुपए सैलरी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन ऐसा होगा जिसके सामने कोई कह रहा है कि सर मुझे 10 हजार रुपए सैलरी चाहिए, और वह सर कहे कि मैं आपको 12 हजार रुपए दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप ईश्वर के भरोसे पर चलते हैं, ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो ईश्वर आपके जीवन को बदल देता है। आप जो सोचते नहीं है, समझते नहीं है, उससे भी ऊपर ईश्वर आपके लिए सोचता है। ईश्वर के पास में आपके लिए एक योजना है, एक इच्छा है, आपकी अच्छाई के लिए, आपके आशा में भविष्य के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा प्रभु पर भरोसा रखना। प्रभु हमेशा आपके लिए अच्छा, उचित, सर्वोत्तम सोचता है। अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता दे, वचन पर विश्वास करे, और हर कार्य की शुरुआत प्रार्थना द्वारा शुरू कीजिए। आप देखना आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन एजेकेल ग्रंथ अध्याय 37 वाक्यांश 14 कहता है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम इस वचन को गाने की कोशिश करें। जैसे भी आपको आता है आप गाइए। वचन एक बार फिर से दोहराता हूं, एजेकेल का ग्रंथ अध्याय 37 वाक्यांश 14, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। विश्वास के साथ इस वचन को दोहराना। आज ईश्वर आपके जीवन में महान कार्य करने वाला है। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा, और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह आत्मा जो हमारी सहायता करता है, वह आत्मा जो हमें पाप से दूर करता है, वह आत्मा जो हमें नम्र दीन बनाता है, वह आत्मा जो हमें अभिषेक देता है, वह आत्मा जो हमेशा हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें पवित्र बनाए रखता है, वह आत्मा आज ईश्वर कहता है, वह आत्मा आज ईश्वर हमें प्रदान करेगा, हमें जीवन आ जाएगा, हमारी अशांति को दूर कर देगा, हमारी चिंताओं को दूर कर देगा, हमारे हर दुख तकलीफ को हमारे जीवन से दूर कर देगा। वह आत्मा हमारे बच्चों को, हमारे कामकाज को, हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करेगा, आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे, कौन मेरा भाई
बहन और माता है। आज हमने ये विषय इसलिए लिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु ने माता मरियम और उनके भाइयों को उन्होंने अनदेखा कर दिया। कुछ लोग इसको मजाक में लेते हैं। आज मैं उन्हें वचन के द्वारा बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने जो कहा वह मां मरियम के लिए था या हर एक व्यक्ति को समझाने के लिए, बताने के लिए, सत्य के लिए था या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम संत मत्ती अध्याय 12 वाक्यांश 46 से 50 में पढ़ते हैं, ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए, वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई है, मेरी बहन और मेरी माता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी बहन और कौन है मेरा भाई। प्रभु ने दूसरों को समझाने के लिए कि पिता की इच्छा क्या है, पिता की नजर में कौन शिष्य है, ये प्रभु यीशु बता रहे हैं। वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता, मेरी बहन और मेरे भाई। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। कौन? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, प्रभु ने ये शब्द मां मरियम को लेकर नहीं कहा था। प्रभु यीशु समस्त संसार को बताना चाहते हैं कि ईश्वर की नजर में कौन है माता, कौन है बहन, कौन है भाई। वचन हमें बताता है प्रभु ने अपने शिष्यों की ओर हाथ करके कहा, ये है मेरे भाई, बहन और माता। क्यों प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों की ओर हाथ करके बताया? क्योंकि शिष्यों ने जान लिया, समझ लिया, स्वीकार कर लिया, विश्वास किया कि प्रभु यीशु में ही जीवन है, प्रभु यीशु ही संसार की ज्योति है, प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, प्रभु यीशु में ही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में शिष्यों ने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए, उन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। वचन क्या कहता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। ये स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? पिता ने हमें कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो। पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारी खातिर, हमारी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि हम सब मुक्ति पा सके, उद्धार पा सके, अपने पाप में जीवन से छुटकारा पा सके, आजाद हो सके। हालेलुया, हालेलुया। यही चीज हम संत मार्कुस अध्याय 3 वाक्यांश 31 से 35, संत लूकस अध्याय 8 वाक्यांश 19 से 21 में पढ़ते हैं।
प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के बारे में शिष्यों की ओर हाथ करते हुए कहा कि यही मेरे भाई मेरी बहन और माता है। क्यों? क्योंकि शिष्य प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ईश्वर की जो आज्ञा है उसका वह पालन करते हैं, अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान ईश्वर को देते हैं। उन्होंने सांसारिक चीजों को ना चुनते हुए ईश्वर को चुना, ईश्वर के पीछे हो लिए, अपना सब कुछ छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर वह प्रभु के पीछे हो लिए, प्रभु के आदेश का, आज्ञा का वह पालन कर रहे हैं। इसका मतलब ये मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर के कथनानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, एक दूसरे को प्रेम करता है, ईश्वर को पहला स्थान देता है, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करता है, हर पाप से दूर रहता है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हर कार्य को करता है। ईश्वर ने कहा अपने आप को पवित्र बनाओ, कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। शिष्य प्रभु के पीछे हो लिए, उन्होंने अन्य चीजों को महत्व ना दिया, उन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में अधिकार दिया, प्रभु यीशु को अपने ईश्वर के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह हमारा ईश्वर है, यही सच्चा ईश्वर है, इसी में जीवन है। जिसने यीशु को पा लिया, यीशु के पीछे हो लिया, उन्होंने अनंत जीवन पा लिया। यीशु के वचन में ही जीवन है, यीशु के वचन में ही आनंद है, यीशु के वचन में ही शांति है। उन्होंने सच्ची शांति को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहला पेत्रुस अध्याय 1:15-16 कहता है, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो प्रभु ने कहा कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई और बहन, ये मां मरियम के लिए नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मां मरियम निष्कलंक, पवित्र और ईश्वर की कृपा पात्री थी। यदि आप मां मरियम का मजाक बना रहे हैं, मां मरियम का अपमान कर रहे हैं, आप किसका अपमान कर रहे हैं? ईश्वर का। क्योंकि ईश्वर ने अपने स्वर्गदूत गैब्रियल को भेजा, स्वर्गदूत गैब्रियल आकर मां मरियम को प्रणाम करता है, क्योंकि ईश्वर की वह कृपा पात्री है, वह पवित्र और निष्कलंक है। और साथ में मैं बताना चाहूंगा, मां मरियम ने हमेशा नम्र भावना से, दीन भावना से और कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो, प्रभु की जो इच्छा है वह इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। मां मरियम ने कभी भी ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया, ईश्वर की योजनाओं का तिरस्कार नहीं किया, ईश्वर की इच्छा का परित्याग नहीं किया, ना अपवित्र जीवन व्यतीत किया, ना पाप किया। क्योंकि ईश्वर ने मां मरियम को सबसे अलग किया, पवित्र रखा और निष्कलंक मां मरियम है वह, वह ईश्वर की कृपा पात्री है। वचन कहता है पहला पेत्रुस अध्याय 1:15-16, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पिता ईश्वर ने मां मरियम को निष्कलंक और पवित्र बनाया, पवित्र रखा, ताकि ईश्वर की कृपा, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना मां मरियम के द्वारा पूरी हो। जैसे पिता पवित्र है, यीशु पवित्र है, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर पवित्र है, एक है, वैसे ही
मां मरियम अपने आचरण में पवित्र है, क्योंकि वचन कहता है आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये वचन मां मरियम ने अपने जीवन में स्वीकार किया और इस वचन के अनुसार, इस वचन के रूप में मां मरियम भी पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र रहेगी, क्योंकि वह किसी मनुष्य द्वारा चुनी गई नहीं, वह पिता ईश्वर के द्वारा चुनी गई, वह पिता ईश्वर के द्वारा कृपा पात्री है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग सोचते होंगे कि प्रभु ने मां मरियम को स्वीकार नहीं किया, ये मां मरियम प्रभु की मां नहीं है, प्रभु ने सबके सामने मां मरियम का परित्याग कर दिया। प्रभु यीशु ने मां मरियम का परित्याग या अपमान नहीं किया। प्रभु यीशु दुनिया को बताना चाहते हैं, जो ईश्वर के वचन का पालन करते हैं, जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो ईश्वर को प्रेम करते हैं, जो अपने जीवन में प्रथम स्थान ईश्वर को देते हैं, ईश्वर की हर एक आज्ञाओं का, आदेश का पालन करते हैं, वह मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु सबके सामने ये बताना चाह रहे हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता ये शिष्य है। क्यों? क्योंकि शिष्यों ने प्रभु यीशु को पहला स्थान दिया अपने जीवन में, कि यीशु को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, यीशु ही एकमात्र ईश्वर है, यीशु पवित्र है, यीशु के वचन में अनंत जीवन है, यीशु ही सब कुछ है। उन्होंने हर एक आदेश का पालन किया, जैसे यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, वह प्रभु के पीछे हो लिए। प्रभु यीशु ने जो जो कहा उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यीशु में ही अनंत जीवन है, यीशु ही सच्चा ईश्वर है, मार्ग और सत्य यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने शिष्यों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरे शिष्य है, ये मेरे भाई, बहन और माता है, क्योंकि ये अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखते हैं, पवित्र भरा जीवन व्यतीत करते हैं, ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों को प्रेम करते हैं, दूसरों को स्वीकार करते हैं। पिता ईश्वर की, यीशु मसीह की जो इच्छा है, उस इच्छाओं को वह पूरी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में देखते हैं, एफेसियों अध्याय 1 वाक्यांश 4, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसके दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। मां मरियम को पिता ईश्वर ने पवित्र तथा निष्कलंक रखा। वचन कहता है उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। पिता ईश्वर ने मां मरियम को पहले ही चुन लिया था कि मां मरियम निष्कलंक और पवित्र है, और अपने स्वर्गदूत को मां मरियम के पास भेजते हैं खुशखबरी देने के लिए। और मां मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। मां मरियम नम्र, दीन, कोमल मां है, उसे किसी प्रकार का घमंड नहीं हुआ कि मेरे घर में ईश्वर निवास कर रहा है। मां मरियम को घमंड नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां मरियम को जब गैब्रियल दूत ने कहा आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ गर्भवती है, तो मां मरियम अपनी अवस्था को, अपने दुख को, अपने पीड़ा को सबको साइड में रखते हुए और तुरंत उनकी सेवा करने के लिए चल पड़ती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी आपने वचन पढ़ा होगा लेकिन इसकी गहराई को नहीं समझा होगा। यदि आज आप मां मरियम की जगह होते,
उस जगह जब आपको ऐसा कहा जाता कि आपके पेट में एक राजा है, आप रानी बनने वाले हैं, आप राजा बनने वाले हैं, आपके आपके पूर्वजों ने इतनी धन दौलत वहां छोड़ दी है, आपके अंदर घमंड आ जाएगा। मैं क्यों काम करूं, मुझे काम करने की जरूरत क्या है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ छोड़ के ऐश और आराम की जिंदगी जिएंगे, नौकर चाकर लगाएंगे। लेकिन यहां पर मां मरियम घमंड नहीं करती, वह दीनहीन बनती है, वह नम्र बनती है, वह ईश्वर के प्रेम को प्रकट करती है कि ईश्वर का प्रेम क्या है, दूसरों की सेवा करती है। वह तुरंत अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ के पास जाती है और उसकी सेवा करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मां मरियम जैसा नम्र, दीन, कोमल, पवित्र, निष्कलंक कोई नहीं है। मां मरियम हमेशा दूसरों का भला चाहती है, दूसरों के दुख तकलीफ में दौड़ के आती है, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए, उन्हें प्रेम से भरने के लिए। क्योंकि मां मरियम से हमारा दुख देखा नहीं जाता, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 15 वचन कहता है, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मां मरियम ने क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। कितनी नम्रता झलक रही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मां मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में देखते हैं, संत योहन अध्याय 14 वाक्यांश 23 में ईसा ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो ईश्वर की शिक्षा पर चलता है, ईश्वर के आदेश का पालन करता है, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है, अपना जीवन पवित्र रखता है, अपने जीवन में ईश्वर को अधिकार देता है, ईश्वर के कथनानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, ईश्वर कहता है मैं और पिता उसके घर में, उसके जीवन में, उसके साथ आकर निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। संत योहन अध्याय 15 वाक्यांश 7 और 8 कहता है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरे भाई बहन और माता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु की शिक्षा को, यीशु के वचन का उन्होंने पालन किया, उसको स्वीकार किया, और जब उन्होंने वचन पर विश्वास किया, प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदानों से भरा, चंगाई का, अद्भुतों को निकालने का उन्हें अभिषेक दिया। प्रभु ने उनके द्वारा महान कार्य किया, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, ईश्वर के हर एक आदेश का पालन किया, एक दूसरे को प्रेम किया। आगे हम वचन में देखते हैं, संत लूकास अध्याय 11 वाक्यांश 28, ईसा ने कहा, किंतु वह कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। कौन ईश्वर का भाई बहन और माता है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते? यहां पर वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है, वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मां मरियम ने स्वर्गदूत के द्वारा जो कहा गया, पिता ईश्वर की इच्छा को प्रकट किया गया, उसको स्वीकार किया,
वचन कहता है धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। मां मरियम ने स्वर्गदूत के संवाद को, स्वर्गदूत की बातों को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, विश्वास किया और अंत में कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है ये बात मां मरियम के लिए नहीं थी, क्योंकि मां मरियम ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ईश्वर ने उन्हें हर पाप से दूर रखा, पवित्र बनाए रखा, निष्कलंक रखा, क्योंकि मां मरियम पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई और ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती गई और ईश्वर यीशु मसीह माता पिता के अधीन रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हमें यह समझना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर आज हमें बताना चाहता है कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माता। वह व्यक्ति जो ईश्वर का वचन पढ़ता है, सुनता है और उसका पालन करता है। ईश्वर कहता है यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। यदि आप दूसरों को क्षमा करेंगे, ईश्वर आपको क्षमा करेगा। आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आप दूसरों को प्रेम करेंगे, ईश्वर आपको प्रेम करेगा और आपके घर में आकर, आपके जीवन में आकर ईश्वर आपके साथ निवास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत लूकास अध्याय 1 वाक्यांश 38 इस वचन में मां मरियम ने कहा स्वर्गदूत गैब्रियल से, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, और स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मां मरियम शुरू से लेकर ईश्वर के वचन का पालन करती आ रही थी। हमेशा मां मरियम ने हमें यह बताया है कि अपने आप को पवित्र बनाए रखो। मां मरियम ने अपने आप को पवित्र बनाए रखा, हमेशा ईश्वर के वचन का पालन किया। मां मरियम में कोई घमंड नहीं था, वह नम्र थी, कोमल थी, दीन थी। और वह कितनी नम्रता से कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। मां मरियम को कोई नहीं कह सकता कि मां मरियम ने ईश्वर के वचन का परित्याग किया हो या मां मरियम ने ईश्वर के वचन का अनुसरण नहीं किया। मां मरियम ने अपने आचरण के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हमें यह बताया है कि कैसे ईश्वर की इच्छा को पूरी करे, कैसे अपने जीवन में ईश्वर के वचन का, आदेश का हम पालन करें। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने आप को नम्र बनाए रखना है। मां मरियम जैसा नम्र दीन कोई और नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। मां मरियम ने शुरू से लेकर अंत तक ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर वह चली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा ईश्वर के वचन का पालन किया, अपने स्वभाव द्वारा, अपने आचरण द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हमेशा अपने आप को नम्र और दीन प्रकट किया, प्रदर्शित किया लोगों के सामने। कभी भी मां मरियम ने वचन का अनादर नहीं किया, जो ईश्वर ने कहा उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम संत मत्ती अध्याय 12 वाक्यांश 46 से 50 पढ़ते हैं, उसमें लोग कहते हैं आपकी माता और आपके भाई बाहर खड़े हैं, तो प्रभु क्या कहता है अपने शिष्य की ओर हाथ करते हुए, ये मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माता है, क्योंकि इन्होंने पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी किया है। ये वचन मां मरियम के लिए नहीं था मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु यीशु सबको बताना चाहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, सबको सम्मान
अधिकार दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, ईश्वर के आदेश का पालन करता है, ईश्वर जो वचन में कहता है उसको हम स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों को प्रेम करते हैं, तो हम पिता ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो हम ईश्वर के भाई बहन और माताएं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया हालेलुया। ये रहस्य ईश्वर ने हमें समझाया, मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो ईश्वर के वचन का पालन करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर उसको, उसके परिवार को, उसके वंशजों को आशीर्वाद देता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, आदेश का पालन करता है, ईश्वर उसको आशीर्वाद देता है। मां मरियम को पिता ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था, पिता ईश्वर की कृपा प्राप्त थी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मां मरियम के लिए नहीं था। जो लोग सोचते हैं कि ये मां मरियम का अपमान किया, ईश्वर ने मां मरियम को स्वीकार नहीं किया कि ये मेरी माता नहीं है, नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मां मरियम के लिए नहीं था। प्रभु यीशु हमें बताना चाहता है, कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन, कौन मेरी माता है? वह जो ईश्वर के वचन का पालन करता है, जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, वह कभी निराश नहीं होता। जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया हालेलुया। ये वचन हर एक मनुष्य के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है। प्रभु बताना चाहता है, प्रभु सबको प्रेम करता है। प्रभु कहता है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता वह है जो पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। मां मरियम ने पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी किया है, इसलिए ये मां मरियम का अपमान नहीं है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से समझाया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम संत मत्ती अध्याय 12 वाक्यांश 46 से 50, संत मार्कुस अध्याय 3 वाक्यांश 31 से 35, संत लूकस अध्याय 8 वाक्यांश 19 से 21, इन वचनों को आप फिर से पढ़ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और आज से, अभी से आप पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने में लग जाए, तब हम ईश्वर के भाई, ईश्वर के शिष्य बनेंगे। ईश्वर का शिष्य वह है जो ईश्वर की बताई हुई शिक्षा पर चलता है, उस शिक्षा का पालन करता है, वचन सुनता है और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। वह ईश्वर की नजर में ईश्वर का शिष्य है, क्योंकि वहां पर ईश्वर का प्रेम कार्य कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेम कभी भी बैर, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, अहंकार, जलन, नफरत नहीं करता। प्रभु का वचन हमेशा जोड़े रखता है। जो दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की शांति के लिए, दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है, वह ईश्वर का शिष्य है, वह ईश्वर का भाई बहन और माता है। हालेलुया हालेलुया। तो आज की प्रार्थना में, आज के वचन में हमने जाना, सीखा कि कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माता। हालेलुया हालेलुया। मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके मन में जो डाउट था, कहीं ना कहीं लोगों ने कहा होगा, इस पे वीडियो बनाया होगा, यूट्यूब पे डाला होगा, तरह तरह के आरोप लगाए होंगे, आपको वचन समझाएगा कि ये मां मरियम का अपमान था, या प्रभु यीशु ने मां मरियम को अस्वीकार किया। आपके जो भी सवाल थे, उन सब का जवाब ईश्वर ने अपने वचन के द्वारा दिया है। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी आंखों को बंद करें
और ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें कि ईश्वर ने आज हमें इस महान रहस्य को हमारे जीवन में प्रकट किया, हमें समझाया वचन के मर्म को, वचन की गहराई को। कभी हमने मां मरियम का अनादर किया, अपमान किया हो, तिरस्कार किया हो, तो हम उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि मां मरियम नम्र और दीन है, वह प्यारी माँ है, वह सदा दूसरों की मदद करना चाहती है, दूसरों की मदद करती है और करती रहेगी, वह पापियों को बचाना चाहती है, वह अपने बच्चों को संभालना चाहती है। हम मां मरियम के बच्चे हैं, मां मरियम चाहती है कि हम पाप से, व्यभिचार से, प्रलोभन से, वासनाओं से दूर रहें और निरंतर ईश्वर से जुड़े रहें। मां मरियम सदैव हमारे लिए प्रार्थना करती है, दया याचना करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां मरियम से हमारा दुख, हमारी पीड़ा, हमारे पाप देखे नहीं जाते, इसलिए वह हमेशा हमारे लिए प्रभु यीशु से विनती करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी अपने जीवन में मां मरियम का अपमान मत करना, अनादर मत करना। मां मरियम सच में बहुत प्यारी है। कभी समय मिले अपने आंखों को बंद करके मां मरियम को कहना, मां मरियम मैं आपसे प्रेम करता हूं, हे मां आपके जैसा प्रेम किसी का प्रेम नहीं है। आपने हमें बताया कि पिता ईश्वर का प्रेम कितना महान है, आपने कितने नम्र स्वभाव में, आपका स्वभाव कितना नम्र दीन है। पिता ईश्वर का प्रेम हमें समझ में आया आपको देख के, आपके स्वभाव को देखकर। आप में किसी प्रकार का घमंड नहीं है, आप ईश्वर की माता होते हुए भी एक सामान्य रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आपने अपना जीवन व्यतीत किया। आपने इतने सारे दुख दर्द पीड़ा सहन किया। हे मां मरियम, हमें भी ऐसी कृपा दिलाइए, जब हम दुख तकलीफ में पड़े हो, वेदना में हो, दर्द में हो, हमें भी उस दुख का सामना करने में शक्ति मिले। इसके लिए अपने पुत्र से प्रार्थना करना मां। सदैव हमारे परिवार को, परिवार के सदस्यों को, बच्चों को, हमारे कामकाज को आप ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करना। अपने पुत्र से सदा सर्वदा हमारे लिए प्रार्थना करना, ताकि ईश्वर की आशीष, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहता रहे। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्यारे प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श करना, छूना प्रभु, ताकि वचन के प्रति उनकी भूख बढ़े, वचन के प्रति उनकी प्यास बढ़े, वचन के प्रति उनका विश्वास बढ़े, वह अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता दे, ईश्वर के वचन को प्राथमिकता दे, ईश्वर के कथनानुसार, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, दूसरों की भलाई के लिए वह कार्य करे। हालेलुया। प्रभु यीशु, हर एक व्यक्ति को, उनके परिवारों को आप आशीर्वाद प्रदान करना, उन पर दया करना। यदि उन्होंने कोई पाप किया है प्रभु, तो उनके पापों को आप क्षमा करना, उन्हें शुद्ध करना, क्योंकि आपकी इच्छा यही है कि तुम सब पूर्ण बनो, पवित्र बनो। हाँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को स्पर्श करना। आज ये बड़ी आशा लेकर अपने निवेदनों, जरूरतों को लेकर आए प्रभु। जितने भी लोग YouTube पर कमेंट कर रहे हैं, Facebook पे, Instagram पे, WhatsApp पे, जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है प्रभु, हर एक प्रार्थनाओं को आपके अधीन करते हैं प्रभु। आप हर एक प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए प्रभु। कोई भी व्यक्ति प्रभु आपके प्रांगण में आके निराश नहीं जाता, वह आनंदित होकर जाता है प्रभु, क्योंकि वह आया अकेला था, लेकिन वह जाता ईश्वर के साथ है। ईश्वर, आप हर एक के घर में, हर एक के जीवन में आप निवास कीजिए। उनके जीवन को, उनके परिवार को ब्लस करना, उनके कामकाज को ब्लस करना प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। उनके बच्चों को विवेक देना। माता पिता अपने बच्चों को समय दे, परिवार में एकता बनी रहे। हर नशे के बंधन, हर वासना, व्यभिचार, प्रलोभन, लड़ाई की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति, स्तुति, आराधना, महिमा यीशु।
धन्यवाद धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना महिमा यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वर करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक प्रिंट होकर आ चुकी है। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। इस प्रार्थना पुस्तक को आप जरूर खरीदिए, इससे आपका जीवन अवश्य बदलेगा, क्योंकि प्रभु के वचन और वचन के द्वारा प्रार्थना करना सिखाया गया है इसमें। जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन बदलेगा। आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। हालेलुया हालेलुया। आप इस प्रार्थना पुस्तक के बारे में अन्य लोगों को भी बताना, ताकि वह प्रभु के प्रेम को, प्रभु की शांति को स्वीकार कर सके और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सके और वह और उनका परिवार मुक्ति पा सके। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।